हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से आपके लिए एक नया पजल लेके आया हूँ। ये पजल के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रखा है जिसमें आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहले बताना चाहूंगा आपको, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसे सॉल्व करने के लिए आपको 30 सेकंड टाइम मिलेगा। 30 सेकंड में सोचना है, समझना है, कमेंट करके मुझे आंसर देना है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, 30 सेकंड के बाद मैं आपको बताऊंगा कि राइट आंसर क्या है। तो चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ चुका है और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने ये वाला क्वेश्चन था और इसे सॉल्व करने के लिए आपको 30 सेकंड टाइम दिया गया था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राइट आंसर क्या है। दोस्तों यहां पर देखिए 15 दिया है, यहां पर 31 दिया है, यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया है। मतलब ये लॉजिक लग सकता है कि ये दो नंबर से ऐसा कुछ किया होगा जिससे यहां पर 15 आ गया है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इन दो नंबर को हम प्लस कर लेते हैं। तो 27 प्लस आप 3 करोगे तो आपको 30 मिलेगा। तो 15 कैसे आएगा, इसको मैं आधा कर लेता हूं तो ये मेरा 15 आ गया। ठीक है, तो यही लॉजिक यहां पर यूज करते हैं। तो आप 6 को अगर 56 से आप प्लस करोगे तो 56 प्लस 6 कितना होगा आपका, 62 होगा। 62 को हाफ कर लीजिए तो यहां पर डिवाइड बाय 2 करता हूं मैं, तो देखिए आपका आंसर ये 31 आ गया। ठीक है, तो यही दो लॉजिक से ये आंसर निकाल लेंगे हम लोग। यहां पर क्या करेंगे, 9 को 81 से प्लस करेंगे तो 81 प्लस 9 कितना होगा, 90 हो जाएगा। और 90 का हाफ कितना होता है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 45 मिलेगा आपको आंसर। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका आंसर जो है 45 है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। चलिए और एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज लेके आया हूं। ये गुड न्यूज जो दोस्तों 6th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड के सीबीएसई स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं मैं एक ऐसा चैलेंजिंग बैटल जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल ले जा पाओगे, जिसका नाम है अन एकेडमिक कॉम्बैट। ये कॉम्बैट में दोस्तों मैथ्स और साइंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये टेस्ट को अनलॉक करने के लिए दोस्तों आपको कोड यूज करना होगा ISM। और ये बताऊं दोस्तों, तो ये जो टेस्ट होगा 60 मिनट का होगा, जिसमें 30 सुपर क्वेश्चन होंगे और आपको ये क्वेश्चन जो होंगे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे और नेगेटिव स्कोर भी रखा गया है। और ये कॉम्बैट जो है दोस्तों वीकली बेसिस में रखा जाता है और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टेस्ट में, जिसके आपको डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बेस्ट एजुकेटर से। मतलब ये है कि अगर आपने कोई मिस्टेक कर दिया हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने मिस्टेक किया है और आगे जाके आप वो मिस्टेक नहीं करोगे। और ये टेस्ट जो होगा दोस्तों, ये लाइव टेस्ट होने वाला है जिसमें ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे, जहां पर आपको पता चलेगा कि आपकी रैंकिंग क्या है ऑल ओवर इंडिया में। तो ये एक सुनहरा मौका है जहां पर आप 1 करोड़ का स्कॉलरशिप जीत सकते हो। तो दोस्तों देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फटाफट एनरोल कीजिए और कोड यूज कीजिए ISM। तो ऑल द बेस्ट। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते, देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया क्या है, ये फाइंड द ऑड वन आउट, मतलब ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो ऑड है, उसे आपको निकालना होगा। तो क्या करेंगे, बहुत दिमाग लगाया होगा आपने लेकिन आपको आंसर शायद नहीं मिला होगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कैसे आंसर निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, आपको याद रखना होगा वॉवेल्स, याद रखना होगा ये वॉवेल्स क्या है। इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स जो होते हैं वो ए, ई, I, O, U, ये 5 लेटर को वॉवेल्स कहा जाता है। तो आप देखिए कि ये ऑप्शन में देखिए ये एक वॉवेल्स है, इसमें देखिए एक वॉवेल्स है, इसमें देखिए तो एक वॉवेल्स है, लेकिन इस पूरे ऑप्शन डी के अंदर कोई भी लेटर जो है वॉवेल्स नहीं है। मतलब यही एक जो है वो है ऑड वन आउट है। क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा ये क्वेश्चन। चलिए और एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है और आपका टाइम शुरू होता है अब।
तो चलिए दोस्तों, आपके सामने ये वाला क्वेश्चन था, इसे सॉल्व करने के लिए आपको 30 सेकंड टाइम मिला था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राइट आंसर क्या है। तो यहां पर देखोगे 94 प्लस 16 इक्वल टू 42 नहीं होता है, और मैंने कुछ गलती भी नहीं किया है, ठीक है। कमेंट करके मत बोलना कि सर आप 94 प्लस 16 42 क्यों लिखा आपने। मतलब ये एक ऐसा आपको लॉजिक दिया जाएगा आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन के अंदर कि इसे सॉल्व करके आपको ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो आपको फाइंड करना होगा। तो यहां पर देखिए 94 प्लस 16 42 कैसे लाया होगा। तो ये काम करता हूं, इस 9 को 4 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा, 9 4 जा 36 होगा, और यहां पर प्लस दिया है, 6 1 जा मैं 6 कर लूंगा तो 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा मेरा, 42 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहां पर वही लॉजिक लगाऊंगा मैं कि 8 9 जा कितना होगा, 72 होगा, ये प्लस यहां पर है, 2 3 जा 6 होगा, इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो आपका 78 आ जाएगा। तो उसी तरह से यहां पर भी लॉजिक लगाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, 6 3 जा 18 होगा और ये प्लस यहां पर आ गया, 5 4 जा 20 हो गया, इन दोनों को प्लस करूंगा मैं तो आंसर क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा 38, ये मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो लॉजिक है काफी आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। चलिए और एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए आखिरी क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए ये वाला क्वेश्चन लेके आया हूं, यहां पर क्या दिया है कि C जो है इक्वल टू 3 दिया है आपको, तो यहां पर डैश इज इक्वल टू 32 और डांस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया है, कैसे करोगे आप। तो सिंपल हिंट है, देखिए यहां पर ही हिंट मिल गया है आपको, ये C इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, मतलब C का अल्फाबेट लेटर कितना होता है, नंबर जो है वो 3 होता है, तो यहां पर C का अल्फाबेट नंबर जो है वो 3 है। तो यहां पर डैश में काम कीजिए, D का अल्फाबेट लेटर कितना होता है आप यहां पर लिखोगे 4, A का अल्फाबेट नंबर कितना होता है 1, और यहां पर S का क्या होता है 19, और H का कितना होता है आपका 8 होता है, तो इन सब को आप प्लस कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 32 मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इतना स्पीड में आपने कैसे अल्फाबेट नंबर का याद रखा है आपने, तो उसके लिए एक वीडियो बनाया मैंने, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। आप जिंदगी भर भूलना भी चाहोगे तो भूल नहीं पाओगे। तो यहां पर देखिए अब D का क्या करोगे, सिंपल यहां 4 लिखूंगा, यहां पर 1, और यहां पर देखिए मैं 14 लिखूंगा, यहां पर C का 3 और E का मैं 5 लिखता हूं, मतलब ये अल्फाबेट नंबर है, इन सब को मैं प्लस करूंगा तो आंसर मेरा आएगा 27 हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना भूले, क्योंकि आपका एक लाइक आपका एक कमेंट हमें इतना मोटिवेट करता है कि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए हम बना सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।